नमस्कार दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवत गीता अध्याय 16 और उसका महत्त्वमय। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सौरठ देश है, जिसके राजा का नाम खड़कबाहु था, बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रही, महावतों को पास न आने दे। जो महावत उस पर चढ़े उसको मार डाले। हाथी के पांव में जंजीर बंधी रही, जिसके खेत से राजा ने और देश के महावत को बुलाकर कहा, कोई ऐसा हो जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा। उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है, हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे, मेरे नजदीक भी नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा, हाथी ने संड के साथ साधु की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ, पिछले जन्म में तू पापी था, मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहां आया, देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16 अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़कने से हाथी की देह छूटी और देव देही पाई। विमान पर चढ़कर वैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम की और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई है। संत ने कहा, मैंने गीता के 16 अध्याय का फल दिया है, नित्य ही मैं इसकी पूजा और पाठ करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी भगवद गीता 16 अध्याय का महत्मय। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।